अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट बी से कर सकते हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इस ग्रेडियंट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी डिफ़ॉल्ट में क्या है, ब्लैक है, ग्रे है, थोड़ा लाइट ग्रे है और एक ग्रेडियंट है। अगर हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। ये हमें प्रीफ्रेंस में नहीं मिला ऑप्शन, क्योंकि प्रीफ्रेंस में शायद नहीं है ऑप्शन, बाकी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है विंडोज़ पे, एंड देन सेटिंग एंड प्रीफ्रेंस वाले ऑप्शन पे जाना है, बट प्रीफ्रेंस पे नहीं जाना, कलर सेटिंग पे आना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 3D व्यू पे एक ऑप्शन है हमारे पास, 3D व्यू के ऑप्शन को ऑन करो तो ये हमारे पास बैकग्राउंड और ये हमारे पास ग्रेडियंट के कलर हैं। तो मैं बैकग्राउंड के कलर को चेंज करता हूँ, और एक बार मेरे को बैकग्राउंड ग्रेडियंट से हटाना पड़ेगा, ऑल्ट भी प्रेस करता हूँ तो हमारे पास अब बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड मेरे को जैसा चाहिए मैं वैसा बना सकता हूँ, सॉरी। और मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे, तो मैं जिस मर्जी कलर का अपना बैकग्राउंड बना सकता हूँ। और मेरे को कोई कलर यहाँ से चाहिए तो मैं यहाँ से कलर ले सकता हूँ, मतलब बेसिकली किसी भी कलर का मैं अपना बैकग्राउंड बना सकता हूँ। और मेरे को अगर ग्रेडियंट चेंज करना है तो मेरे को वापस से ग्रेडियंट पे आना पड़ेगा। ऑल्ट बी से मैं ग्रेडियंट पे आया तो मैं ग्रेडियंट पे जाता हूँ, इस ग्रेडियंट को येलो करता हूँ, ब्लू करता हूँ, ब्लूइश, और इसको येलो करता हूँ। तो आप इस तरीके से भी अपना ग्रेडियंट चेंज कर सकते हो। बाकी ये लाइट इंटेंसिटी है और कलर इंटेंसिटी, वो कलर कितना ब्राइट हो या कितना डार्क हो, और यहाँ से आप अंदर से भी कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, आप अपने व्यू पोर्ट या कुछ भी 3D व्यू पोर्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आप बोलते हो। ऑल्ट बी से सिंपल सॉलिड कलर्स उनमें स्विच करेगा, और ग्रेडियंट में तो आप किसी पे भी अपना कलर यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे मैं वाइट वाले पे। विंडोज़ सेटिंग, यहाँ पे कलर सेटिंग, ये वाइट है, इसको मैं पिंक कर देता हूँ, पिंक, एंड देन सेव। तो मैं ऑल्ट बी, ग्रेडियंट जो मैंने बनाया था, ब्लैक कलर जो पहले से है, लाइट और डार्क ग्रे, एंड देन वाइट, और शायद ये वापस से रिसेट हो जा रहा है, बट कोई नहीं, आप यहाँ से उस सेशन के लिए उसको चेंज कर सकते हो। इसका प्रेफरेंस नहीं है बट उस सेशन के लिए आप उसको चेंज कर सकते हो, एंड देन सेव भी कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत नए नए चीज़ आने वाली हैं, एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, VFX रिलेटेड चीज़ें भी आने वाली हैं आगे चैनल पे। तो थैंक यू, धन्यवाद, और बी सेफ़।